अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समरीन। हाईटेक उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेसी लीडर जी निरंजन ने इंतखाबात के इंतजाम को लेकर इलेक्शन कमीशन पर की सख्त तनकीद। कांग्रेसी लीडर मल्लू रवि ने कहा, बीजेपी अपने मफाद के लिए कांग्रेस पर इल्जाम लगा रही है। और जगदम्बा जिला में पेश आया भयानक सड़क हादसा, 3 कारें टकरा गई आपस में। अब खबरें तफसील से। कांग्रेसी लीडर जी निरंजन ने एक मीटिंग के दौरान MLC इलेक्शन को लेकर इलेक्शन कमीशन पर सख्त तनकीद की और कहा कि ना तो आम इंतखाबात के इंतजाम सही हुए हैं और ना ही MLC इलेक्शन के इंतजाम सही हुए। इन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। ZPTC MPTC इलेक्शंस तेलंगाना स्टेट में चल रहे, तो दूसरे तरफ इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडी से MLC इलेक्शंस के लिए नोटिफिकेशन इशू करना बहुत ताजुब की बात है। असल इलेक्शन कमीशन को अपने आप को ने कुछ रिस्पांसिबिलिटी फील करके काम कर रहे क्या, ये शक हो रहा है। इलेक्शन कमीशन काम करने का ढंग पर आवाम में एक शक पैदा हुआ। इससे ZPTC MPTC इलेक्शंस को कंडक्ट करने के वास्ते इलेक्शन कमीशन का परमिशन लेके कंडक्ट कर, जब परमिशन देने का था तो उनका इल्म में ये बात नहीं था क्या, जो 3 MLCs का इलेक्शंस होने का है उनका टर्म नहीं जून 10th के अंदर करना चाहिए क्या, इसका इल्म उनमें नहीं है क्या? और जिम्मेदारी के साथ ये सारे बातों को सोच करने उन लोगों को परमिशन देने का था। और पहली बार हिस्ट्री में शायद कोई टाइम नहीं देते हुए रात में अनाउंसमेंट करे, सुबह नोटिफिकेशन इशू करे, ऐसा हालात पैदा हुआ। एक डिस्ट्रिक्ट में एक रिटर्निंग ऑफिसर जो नोटिफिकेशन इशू करना, उन्होंने लीव पे थे, रातों रात उनको बुला कर नहीं नोटिफिकेशन इशू करने के वास्ते मजबूर करना पड़ा। कांग्रेसी लीडर मल्लू रवि ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की सिताइश की और कहा कि बीजेपी ने जो अपने मफाद के लिए राजीव गांधी पर इल्जाम आयद किए थे वो बेबुनियाद है। इन्होंने मजीद अपने ख्याल का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के ऊपर जजमेंट क्लीन चिट राजीव गांधी के ऊपर से देने के बाद भी अभी इलेक्शन में बीजेपी को फायदा मिलने के लिए राजीव गांधी का ऊपर एक करप्शन चार्जेस बार बार बोलना और राजीव गांधी फैमिली 10 days रेस्ट लेने के लिए मेयरशिप में गया तो उसका भी एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के अभी पब्लिक में बोलने से पूरा उसको कंडेम कर। अब राजीव गांधी क्या करा 5 साल में, आप क्या करा एक बार देखो। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंडिया के लिए जो भी करना है एज प्राइम मिनिस्टर उन्हें करा। पंजाब एग्रीमेंट, असम एग्रीमेंट, मिजोरम एग्रीमेंट, ये लोग इंडिया के खिलाफ फाइट करने वालों से एक एग्रीमेंट करा, उससे इंडिया एक इंटीग्रेटेड कंट्री अभी तक कंटिन्यू हो रहा। वही नहीं 18 इयर्स यूथ को इलेक्शन करने का अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाके अब 18 इयर्स यूथ कैन वोट फॉर इलेक्शन MLA MP और जो भी इलेक्शन है उसको देने के लिए एक अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन। वही नहीं अब इंडिया में ये सेल फोन जो भी आया है
जंगम्मा जिले हाईवे पर भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें तीन कारें आपस में टकरा गई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। इस हादसे में कई अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अजीज बाग कॉलोनी के नौजवानों ने रमजान करीम की मुबारकबाद के लिए एक बैनर लगाया था, जिसे गुज़िश्ता शब कुछ नामालूम अफराद ने उसे जला दिया। नौजवानों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है और वो इंसाफ चाहते हैं। नाजरीन, सोचिए रमजान करीम के उस मुकद्दस महीने में उन शर पसंद अफराद का ये हाल हो सकता है, तो बाकी महीनों में क्या हाल होगा। मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। हम लोग अजीज बाग कॉलोनी के पूरे नौजवान लोग एक फ्लेक्स लगाए थे रमजान करीम मुबारक के बारे में, जो आम खास लोगों के लिए। तो कोई आज आके अननोन दो लोग पेट्रोल डाल के जला दिए हैं। ये कॉलोनी का खाली रमजान करीम का था, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था इसका, पता नहीं कौन आके जला के चले गए। मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, ये जो भी करें हमारे को इंसाफ होना। और एक एक चीज़ हम कंप्लेंट दिए हुए हैं और वीडियो में रिकॉर्ड हुआ हुआ है, सीसीटीवी फुटेज है, उसके बाद अपने को क्या है मालूम होगा, जो भी करे क्या है। अभी एक वन आवर का टाइम है, उसके बाद अपने को सीसीटीवी फुटेज मिलेगा, उसके बाद जो भी है पुलिस वाले भी बोले कि एक्शन लेंगे। उसके बाद ऑलरेडी हम लोग कंप्लेंट कर चुके हैं उसके बारे में। भाई रमजान में भी ये हरकत हुआ तो अब बाकी के महीनों में क्या रहेगा, अब आप लोग ही बोलना। रमजान का एक ऐसा महीना है, इबादत का महीना, हम लोग खाली फोटोज लगा के रमजान मुबारक के लिए लगाए, उसके लिए भी ऐसा कर रहे लोग, पता नहीं आगे क्या होगा। नाजरीन, अब वक्त हो चुका है एक मुख्तसर से वक्फे का। हाईटेक फर्निशिंग वर्ल्ड, वर्टिकल ब्लाइंड्स, फर्निशिंग ब्लाइंड्स, रोलर ब्लाइंड्स, इंटीरियर ब्लाइंड्स, ऑफिस ब्लाइंड्स, all kind of blinds available here. Services at your doorstep. Store address, Mehdipatnam, Talagadda, Hyderabad. Please contact on this number 9700647474. Webro Model School, recognized by the Government of Telangana State. Admission free for all classes. Bag free for nursery class. Address, Jhira, Asif Nagar, Hyderabad. Contact 0402353-0218. Mobile number 9700304000. अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतरीन बनाने के लिए विप्रो मॉडल स्कूल में एडमिशन करवाएं और उन्हें एक कामयाब इंसान बनाएं। विप्रो मॉडल स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट। मक्का मुकर्रमा में मुकीम अलहाज मोहम्मद सिराज साहब की 38 साल तजुर्बा और उन्हीं की रहनुमाई में अलमीना टूर्स एंड ट्रैवल्स मल्लेपल्ली, आपका भरोसा और यकीन ही अलमीना की कामयाबी है। आपके एतमाद ही की वजह से हर माह दो उम्रा ग्रुप्स रवाना होते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट, मुकम्मल रहनुमाई, हैदराबादी तर्ज का पकवान, करीब तरीन रिहायश, एसी ट्रांसपोर्ट, मुकद्दस मकामात की जियारत। रमजानुल मुबारक तक के लिए उम्रा बुकिंग जारी है। मुलाकात करें अलमीना अपोजिट ग्लोरी थिएटर, मल्लेपल्ली, हैदराबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। एक खातून जो मैलारदेव पल्ली की साकिन है, वो पैसे कमाने के लिए रियाद गई हुई थी, जहां उन्हें बहुत परेशान किया गया। वाज़ह रहे कि कनीस फातिमा जो मैलारदेव पल्ली की साकिन है, वो अपनी बेटियों की शादियों के खर्च से परेशान होकर तीन एजेंटों इस्माइल, मसूद और उनकी वाइफ के जरिए रियाद गई हुई थी, जहां उन्हें बहुत परेशान किया गया। वहां उन्हें ना तो वक्त पर खाना दिया गया और ना ही दवाई, यहां तक कि उनकी तबीयत बहुत नासाज हो गई। तब उन्हें इंडिया वापस भेज दिया गया। अब उनकी लड़कियों ने मदद की अपील की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। एजेंट्स के ज़रिए सऊदी अरब गए थे, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद मसूद और नफीसा बेगम, उनको बाहर भी जाए थे। वहाँ जाने के बाद बहुत बीमार हो गए, बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, थायराइड बढ़ गया था, खाने को भी खाना नहीं दे रहे थे, फ़ोन भी करे तो बहुत रोते थे मेरे को बुला लो मिल के। उसके बाद 2018 नवंबर को वापस आए, बहुत बीमार होके आए। यहाँ पे आने के बाद एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करे, थोड़े दिन शारम हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद महावीर में इलाज चला,
किडनी फेल हो गए थे मम्मी के। उसके बाद अभी 3 दिन पहले मेरे मम्मी का इंतकाल हो गया। मेरी बहन है एक, अभी शादी हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी मदद करिए। अब मेरे साथ देखिए कनीस फातिमा, ये जो है पहले वट्टेपल्ली में रहते थे ये लोग, अब जो है मैरावदपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में रह रहे हैं। ये कनीस फातिमा जो है, इनके शौहर इनको छोड़ दिए, इनके 3 लड़कियां थे। तो लड़कियों की शादी के सिलसिले में कनीस फातिमा जो है 3 एजेंटों के बातों में आके, एक मसूद जो मुस्तफ़ा नगर में रहता है और एक मोहम्मद इस्माइल और उसकी बीवी है नफीसा, ये तीनों मिलके इनको ये वादा किए थे कि हम आपको जो है बाहर कोई हॉस्पिटल में जॉब देंगे, हॉस्पिटल में जॉब जिसमें आपको तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे बोलकर बाहर भेजे। 7 अप्रैल 2017 को इन्हों गए, जाने के बाद से 1 रुपया इनको सैलरी नहीं, 5 घरों बदले इनको काम करने के लिए रियाद में सऊदी अरब में। कई दिन तक परेशान थे, इनके बेटियां और इनके भाई जो है मेरे पास अप्रैल 2018 में मेरे पास आए थे। तो हम जो है सुषमा स्वराज मैडम को अपील किए थे, अपील करने के बाद में कई दिन तक इनका करस्पॉन्डेंस हुआ। इंडियन एम्बेसी बड़ी मेहनत से कोशिश की, करने के बाद में इंडियन एम्बेसी के द्वारा नवंबर के आखिरी हफ्ते में इन आए और इतनी अलील हालत में आए थे वहाँ से कि इनको सीधा एयरपोर्ट से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, शादान हॉस्पिटल। वहाँ पर कुछ दिन देर इलाज होने के बाद में ये पता चला कि इनके बॉडी में पूरा इन्फेक्शन हो गया, जिसकी तरफ से इन्फेक्शन होने की तरफ से कनीस फातिमा को दोनों किडनीज फेल हो गए। फिर बाद में गवर्नमेंट में आरोग्य श्री में इनकी मदद मिली थोड़ी, महावीर हॉस्पिटल में इनको शरीक किए। 2 दिन कबल इनका इंतकाल हो गया और एक लड़की की शादी तय है, रिश्ता तय है, सब है, लेकिन शादी करने के लिए एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ हैदराबाद कस्टम ने 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार किया, जिसके पास 1,09,00,000 का सोना बरामद हुआ। कम बताएगा सर, अभी नहीं बताता हूँ सर, अभी ये करेक्ट नहीं है सर। कौन सा उठाओ। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में एक बेदर्दाना कत्ल का वाकया पेश आया, जिसमें एक 7 साला मासूम मोहम्मद यासीन का बेदर्दाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुकामे वाकया पहुंच कर तहकीकात का आगाज कर दिया है। तब फूटी सुना कर बुलाते छोटा बच्चा, फूटी लाने भेजी, फूटी लाने भेज, गाय भी छोड़ छोड़ा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तक दे के रास्ता, तो नहीं आने दो, उनके घबराहट घबराहट हुए। उसके बाद में हमारे घर बोले तारा भी पढ़ने ठहरे थे, मैं बच्चा कहाँ है, बच्चा घूम गया, ऐसे नए घर होते हैं, तुम कहीं भी भेजो जी, तुम्हारी बड़ी गलती है, बच्चों को सला को तुम जाक लाना था, तुम्हें तुम्हारे बच्चे को जान मारे दो कोकर बोली मैं। क्या नाम है बच्चे का? मोहम्मद यासीन। कब निकला हुआ बच्चा? 9 बजे निकला घर। 9:30 निकला बच्चा घर, दुकान को फूटी होना कर को, छोटा बच्चा रो रहा था, उसकी भी उसके वजह से भेजे उनके अब्बा। बच्चा पढ़ता? हाँ, यूकेजी पढ़ता था। कौन सी क्लास में? यूकेजी क्लास में। कहाँ पे स्कूल? एमएस स्कूल। उतने बच्चे से कौन दुश्मनी करेगा ना, मेरा बेटा क्या करेगा? आने के बाद वो ये बच्चे सब तरालू को, वो बड़े बच्चे रेडी हुए थे, पापा मैं भी जाता हूँ, बोला तो मतलब जाए देर होता 10 बजे, बाद में तो सुबह मेरा मत गया, फिर पापा तुम मेरे बच्चा 20 रुपये दो, बोर्डिंग से ला तुम बोला
ठीक है भैया, सिला में मेरे 50 ले लो तो भेजो बाबरा ना जाने के बाद बैंक खोल के रिंडी की फेल के 12 का ठहरा बच्चा नहीं आ रहा नहीं आ रहा वो कभी मैं दुकान का दर लो दुकान का नहीं तो इधर ऊपर है बाजू के बाद बाजू के रहते हां नहीं बाजू रोज आता था सब रोज आता लेकिन 300 बैठा हूं वो दूध आने वाला उन्हें चाव वो कम पड़े तो उन्हें खिला सकता घर पे हासिल था 8 o'clock है सर बाहर से बादशाह फादर आ गए फादर आने के बाद उन बच्चे फ्रूटी फ्रूटी बोल के फ्रूटी मांग रहा मेरे पास चेंज नहीं है बोले तो मैंने मेरे को ना 20 रुपये दो बोले तो 50 रुपीज़ चेंज नहीं है बोल के 50 रुपीज़ दिए देने के बाद अपने बाहर आ गए बाबू बाहर आ गए आने के बाद फिर नहीं आए घर पे नहीं आया रिटर्न नहीं आया क्यों नहीं आया बोल के उन बाहर आ रहा था एट द टाइम ऑफ आई थिंक 9:30 है ऐसा वो 9:30 टाइम पे बाहर आने के बाद एक हमारे ब्लू क्लोर्स भी इधर आए क्यों आया ब्लू क्लोर्स क्या अरे पुलिस वाले क्यों आया बोल के उसको बुला है कोई आके देखे तो बहुत जनों आए इधर उसका बॉडी देखे तो बीच में क्या हुआ वो तो बच्चा रो रहा बच्चा क्यों रो रहा बोल के वो ऊपर नमाज पढ़ने वाले रहना भी एकदम थोड़ा औरत ऊपर वो नमाज़ पढ़ रहा उसको आवाज़ आ रहा था आवाज़ सुन के उन बाहर आके देखे तो कौन अंदर जा रहा वो घर गुस्सा रहा तो उन क्या सोचा वो कुत्ते लेके जा रहा वो आदमी की बच्चे को कुत्ता लेके जा रहा वो बचाने के लिए जा रहा वो बोल के वो सोचा बट उधर आने के बाद उन उसको मार के फेंक दे के उस आने बाद फिर भाग गए। राजेंद्र नगर में वाक़ अत्तापुर में एक जमीन को लेकर दो खानदानों में बहस के बाद मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों खानदानों के लोग जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ఫ్లాట్ కొన్నాం ఆంజనేయ స్వామి గుడి వెనకాల మూడు వందల 350 గజాలు ఫ్లాట్ కొన్నాం ఫ్లాట్ కొని 1 సంవత్సరం అయితే ఈ ముగ్గురు జనార్దన్ రెడ్డి గోవర్ధన్ రెడ్డి వీళ్ళు ముగ్గురు వచ్చి మేము ఆల్రెడీ కొన్నాక కట్టుకొని అలా రూమ్ వేసుకొని ఉన్నాం ఉంటే వీళ్ళు ముగ్గురు వచ్చి మా రూమ్ కులగొట్టేసిర్రు అల్లకి ఇచ్చి అప్పటి నుంచి ఇంకా మేము చూస్తున్నాం ఎప్పుడన్నా సరి చేసుకొని ఉండాలి అని అయితే సర్లే అన్నట్టుగా ఇక మొన్న నిన్న రాత్రి పోయి మెటీరియల్ వేసుకొని పగలు పోయి కట్టుకుంటుంటే వీళ్ళు ముగ్గురు వచ్చి జనార్దన్ రెడ్డి అనే ఆయన వచ్చి ముగ్గురు వచ్చి ఆయన వచ్చి మా ఆయన ఈ ల్యాండ్ అంటే మా బాబాయ్ ఉన్నాడు మొన్న రీసెంట్గా 6 మంత్స్ అయింది కొన్ని మహేందర్ రెడ్డి అనే దగ్గర ఉన్నాడు ఏమైందంటే దాంట్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దామని వెళ్ళాము ఈరోజు మేము కూలర్లో తీసుకొని చిన్న రూమ్ పట్టుకొని ఉందామని వెళ్ళాము అంతలోపు గోవర్ధన్ రెడ్డి ఇంకా వాళ్ళ మీద ముగ్గురు వచ్చి మా బాబాయ్ని కొడుతుండగా నేను రాజేంద్రనగర్ ఏరియా అత్తాపూర్ గ్రామ శివార్లో సర్వే నెంబర్ 8లో ఆ గ్రామస్తులు అయినటువంటి గోవర్ధన్ రెడ్డి అనేటువంటి వాళ్ళ బ్రదర్స్కి మరియు మహేందర్ రెడ్డి అనేటువంటి వాళ్ళ బ్రదర్స్కి మధ్యలో పొజిషన్ విషయంలో గతంలో గొడవలు ఉండేవి వాళ్ళు కోర్టులో స్టే తీసుకొని అది ఆ విధంగా ఉండగా మహేందర్ రెడ్డి వాళ్ళ తండ్రి యాదరెడ్డి నుంచి ఇంకొక అతను రాజేష్ అనేటటువంటి ఆయన ఈ 300 గజాల స్థలాన్ని ఈ డిస్ప్యూటెడ్ సైట్లో కొనుగోలు చేయడం జరిగింది కొనుక్కొని ఆ సైట్లో ఇంతకుముందు పనిచేయడానికి పోయినప్పుడు ఈ విషయం గురించి ఒక SC/ST కేసు కూడా నమోదయ్యే విచారణలో ఉన్నది అయితే ఈరోజు కూడా మళ్ళీ రాజేష్ పని కొనుక్కున్న భూమి కొనుక్కున్న ప్లాట్ కొనుక్కున్న విషయంలో పనిచేయడానికి రెడ్డి కోర్టులో కేసులు ఉన్నాయని ఆబ్జెక్షన్ చేస్తూ అడ్డపోయినందుకు కానీ ఇద్దరి మధ్యలో తగాదా జరిగింది ఆ తగాదాలో మామూలుగా వెజిటేబుల్స్ కోసే కత్తి ఏదైతే ఆ కత్తితోటి ఒకరి మీద ఒకరు చేసుకోవడం వల్ల అతనికి గోవర్ధన్ రెడ్డికి చేతి మీద कांग्रेसी लीडर जी निरंजन ने इंतखाबात के इंतजाम को लेकर इलेक्शन कमीशन पर की सख्त तनकीद। कांग्रेसी लीडर मल्लू रवि ने कहा बीजेपी अपने मफाद के लिए कांग्रेस पर इल्जाम लगा रही है। और जगदम्बा जिला में पेश आया भयानक सड़क हादसा, 3 कारें टकरा गई आपस में। हाईटेक उर्दू न्यूज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, देखते रहिए हाईटेक TV।